नेहरू युवा केंद्र ने मनाया मतदाता जागरूकता दिवस। बयाना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संगठन नेहरू युवा केंद्र भरतपुर के तत्वाधान में ब्लॉक बयाना के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक योगेंद्र कसाना ने के नेतृत्व में गांव महलोनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता दिवस सरपंच की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा ने की। इस दौरान प्रधानाचार्य ने युवाओं को इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता निभाने के बारे में भी बताया और कहा कि हमें अपने मत का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए और अच्छी सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। अंत में ब्लॉक के NYV कसाना ने सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान विद्यालय के 5 दर्जन छात्र छात्राओं सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। देखते हैं 40 साल आगे की योजना बनाते हैं और उसी व्यापार में निवेश करते हैं कि जब आज से 40 साल बाद देश को क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा व्यापार फलेगा फूलेगा, उस सोच को रखते हैं और उसमें निवेश करते हैं, तब वो नंबर वन बने। वही आज सरकार हो या समाज हो, इसलिए बच्चों की ओर देखती है क्योंकि भविष्य कौन है, देश के भविष्य में आप ही कर्णधार होंगे। रैली हो जब विद्यालय में मनाया जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो हो जाएगी कुछ समय बाद, ओल्ड एज में चली जाएगी। देश का नेतृत्व आप लोग करेंगे जनप्रतिनिधि के रूप में भी और जनप्रतिनिधियों को तय करने के रूप में भी, इसलिए आपको प्रत्येक चीज की समझ होनी चाहिए। इसीलिए ये नेहरू निश्चित रूप से 18 वर्ष के होते ही अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। जहाँ कहीं भी जो लोग इस बारे में जागरूक नहीं है उनको जागरूक करें कि भाई अपनी वोट की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एक और जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, वोट देने के लिए आपको सवैतनिक अवकाश देगा मिलेगा। सवैतनिक अवकाश का मतलब कोई भी नियोक्ता या कंपनी का मालिक आपको वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता और उस दिन की तनख्वाह भी नहीं काट सकता।